मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोकसभा उपचुनाव को लेकर अलवर दौरे पर हैं। आपको बता दें, रविवार को अलवर में जनसंवाद करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तिजारा के लिए रवाना हुई हैं। इस दौरान हेलीपैड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, उपचुनाव के प्रभारी भजन लाल शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं तिजारा पहुंचकर सीएम ने जनसंवाद किया है। इस दौरान आपको बता दें, सीएम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव के संबंध में चर्चा भी की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राजे सोमवार को तिजारा, बहरोड़, किशनगढ़वास और भिवाड़ी क्षेत्र के लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा कर रही हैं और उनकी नब्ज लगातार टटोल रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यवन संवाददाता अलवर से चंद्रशेखर हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सीएम वसुंधरा राजे लोगों से जनसंवाद कर रही हैं, उनकी नब्ज टोल रही हैं। बिल्कुल पूजा, बताना चाहूंगा कि दो दिन के दौरे पर वसुंधरा राजे अलवर आई हुई हैं और लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल उन्होंने चार विधानसभा क्षेत्रों की जनसंवाद किया था और आज चार विधानसभा क्षेत्रों का जनसंवाद कर रही है और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूजा जी, चंद्रशेखर, क्या मुद्दे मुख्यमंत्री जनता के बीच लेकर जा रही हैं? देखिए, जो विकास कार्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई हैं, उन्हीं का केवल प्रचार चल रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य में जो सरकार है जो भाजपा की है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि अभी एक साल विधानसभा चुनाव में है और सवा साल लोकसभा चुनाव में होने हैं। तो इसके मद्देनजर ही विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे जनता के बीच जा रही है। पूजा जी, क्या लगता है चंद्रशेखर, जनता के मन को कितना टटोल आई है यहाँ पर वसुंधरा राजे, प्रदेश की मुख्यमंत्री? देखिए, अभी फिलहाल कोई बड़ी सभा या इस तरह की मीटिंग तो नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है वो दोनों के बीच कड़ी टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। दोनों ही दलों के बड़े नेता ये इन चुनाव को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं और सभी तरह के लोगों से चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है, अलग अलग समाजों से चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों ही इसको लेकर काफी गंभीरता बरत रही है। पूजा जी, चंद्रशेखर, ये तो हो गई नेताओं की बात, ये तो हो गई मुख्यमंत्री की बात कि वो अपने क्या पक्ष रख रही हैं। जनता के चेहरे पर किसकी रीति नीतियों को सुनकर कहीं ज्यादा संतुष्टि के भाव नजर आ रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा क्योंकि जनता का भी इस तरह का कोई रुख नहीं है। अभी चुनाव के प्रति लोगों का माहौल है, लेकिन कहां और किस तरफ ये माहौल जाएगा, किसके पार्टी के ऊपर जनता मेहरबान होगी, अभी ये चूंकि 5 दिन है अभी मतदान में, जनता अब खामोश है और जो भी जनता डिसीजन देगी उसका परिणाम 1 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो अब क्लियर देखने को मिल रहा है, अभी दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर देखी जा रही है। पूजा, चंद्रशेखर, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वन संवाददाता चंद्रशेखर हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता की नब्ज टटोल रही हैं, सीधे संपर्क साध रही हैं। दोनों ही पार्टियां जनता से सीधे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और उनको अपनी अपनी रीति नीति समझा रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखती है।